आगे जो ग्राइंडिंग करने के लिए इक्विपमेंट का यूज किया जाता है वो होता है रोलिंग कंप्रेशन मिल। इस मिल में क्या होता है कि एक रोलिंग मेंबर रहता है और रोलिंग मेंबर जो है वो रोटेट करते रहता है और टॉप से हम लोग चार्ज करते हैं और वो डिस्क के बीच आने से, क्योंकि रोलिंग रोटेट करते रहता है और डिस्क के बीच में जब पार्टिकल आता है तो उस पर सारे फोर्स लगता है और फोर्स के कारण उस मटेरियल का ग्राइंडिंग हो पाता है। और मोस्ट कॉमन रोलिंग टाइप का जो मशीन होता है वो होता है रोलिंग रिंग पल्वराइजर, बाउल मिल और रोलर मिल। रोलिंग रिंग पल्वराइजर में क्या होता है कि एक रिंग होता है, वो रिंग स्टेशनरी टाइप का भी हो सकता है या रिवॉल्विंग टाइप का भी हो सकता है और उससे जो है एक रोलर कनेक्टेड होता है, उससे जो एक है वर्टिकल रोलर कनेक्ट होते हैं। टॉप से हम लोग मटेरियल को चार्ज करते हैं और फोर्स जो है उस मटेरियल पे लगता है जिसके कारण मटेरियल का साइज का रिडक्शन होता है। रोलर मिल में क्या होता है कि इसमें एक वर्टिकल सिलेंडर सिलिंड्रिकल रोलर्स होता है जो कि एक रिंग के अगेंस्ट में फोर्स लगाता है। रिंग जो है वो सेतु स्टेशनरी होता है और उस रिंग के और रोलर के बीच में मटेरियल आने से फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स के कारण मटेरियल ग्राइंड होते जाता है। और ये जो सिलिंड्रिकल रोलर्स होते हैं ये बहुत मॉडरेट स्पीड से सर्कुलर पाथ में रोटेट करते रहते हैं। और बॉल मिल में क्या होता है कि बॉल मिल में एक बॉल शेप का आउटर रिंग होता है, जैसा कि हम लोग देखे थे कि कोन क्रशर में एक आउटर शेप था, उसके अंदर एक स्टेशन एक रोटर होता था अंदर में जो रोटेट करता था, बाहर में एक फिक्स्ड रिंग होता था। तो इसमें भी बाउल मिल में क्या होता है, एक बाउल शेप का रिंग होता है जो और अंदर में एक रोटर लगे होते हैं। तो ये दो टाइप के मेनली पाए जाते हैं कि या तो रोटर अंदर का रोटेट करता है नहीं तो बाहर के जो रिंग होते हैं वो रोटेट करते हैं। तो इस तरीके से टॉप से हम लोग मटेरियल को चार्ज करते हैं और प्रेशराइज एयर इसके अंदर फ्लो किया जाता है जिसके कारण जो है कि मटेरियल ग्राइंड हो करके हमें टॉप से बॉटम से निकल जाते हैं और जो बड़े मटेरियल्स निकलते हैं उसको हम लोग स्क्रीनिंग करके फिर टॉप से उसको चार्ज कर देते हैं। जनरली इस टाइप के मटेरियल का यूज हम लोग सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है, सीमेंट क्लिंकर है, कोल है। इन सब मटेरियल का जो हार्डनेस जो है वो कम होता है कंपैरेटिवली ऑक्साइड से या क्वार्ट्ज से। तो इन सब मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए हम लोग बाउल मिल का यूज करते हैं। इसका जो कैपेसिटी होता है वो 50 टन्स पर आवर का होता है और ये प्रोडक्ट जो है जो आउटपुट प्रोडक्ट निकलता है वो 99% जो है वो 200 मेश से आसानी से पास कर जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत ज़्यादा फाइन निकलता है। अगला टाइप का जो ग्राइंडिंग इक्विपमेंट होता है वो एट्रिशन मिल होता है। एट्रिशन मिल या जिसको कि हम लोग रबिंग मिल भी कहते हैं, इसमें रबिंग एक्शन के कारण ग्राइंडिंग होता है और रबिंग उसी मटेरियल का पॉसिबल है
रबिंग उसी मटेरियल का पॉसिबल है जो कि मटेरियल सॉफ्ट नेचर का हो। यदि हार्ड नेचर का मटेरियल होगा तो उसको रबिंग कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस मिल की हेल्प से हम लोग सॉफ्ट मटेरियल का ग्राइंडिंग करते हैं। और रबिंग मिल में क्या होता है कि दो डिस्क होते हैं और डिस्क में ग्रूव किए हुए रहते हैं, दो फ्लैट डिस्क होते हैं और उस फ्लैट डिस्क में ग्रूव किए हुए रहते हैं और दोनों डिस्क जो है आपस में एक दूसरे के अपोजिट रोटेट करते हैं। फीड को हम लोग इंटर करते हैं एक ओपनिंग से और दोनों डिस्क के बीच में फीड आता है और रोटेशन के वजह से एक दूसरे का अपोजिट जो रोटेट करते हैं डिस्क, इसके वजह से वहाँ रबिंग एक्शन होता है और ये फाइनली ग्राइंड होकर के मटेरियल इसके आउटपुट से बाहर निकल जाता है। एक बहुत नैरो गैप होता है डिस्क, दोनों डिस्क के बीच में जो है बहुत नैरो गैप होते हैं। इस टाइप के मिल में जो ग्रुप्स बने होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के बने होते हैं। कोई भी डिस्क में या तो हॉरिजॉन्टल ग्रुप बना होता है या वर्टिकल ग्रुप बने होते हैं या डॉटेड ग्रुप बने होते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ मेनू ग्रुप्स बने होते हैं या टीथ टाइप के डिस्क होते हैं। ये जो है कि दो तरह का एट्रिशन मिल होता है, एक तो होता है कि जिसमें कि सिंगल रनर या तो टॉप के डिस्क रोटेट करते हैं और बॉटम के डिस्क जो है वो स्टेशनरी रहते हैं। दूसरा टाइप का होता है कि जो दोनों डिस्क रोटेट करते हैं, डिस्क जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना होता है या तो स्टोन का बना होता है, जो क्वार्ट्ज कंटेंट स्टोन होते हैं जो काफ़ी हार्ड, उसका जिसका हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होता है उसके बने होते हैं, या मेटल्स के बने होते हैं जिसमें या स्टेनलेस स्टील्स के बने होते हैं जिसकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो है डिस्क रोटेट करते हैं 350 टू 700 आरपीएम की स्पीड पर और साथ ही साथ डिस्क का जो डायमीटर होता है वो 10 से लेकर 54 इंच तक के डायमीटर का होता है। इसी के डायमीटर के ऊपर इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। यदि डायमीटर बड़ा होगा तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और डायमीटर यदि छोटा होगा तो इसकी कैपेसिटी कम होगी। डबल रोलर व्हील में क्या होता है कि दोनों डिस्क रोटेट करता है हाई स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे क्या होता है कि उसकी जो इफिशेंसी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि दोनों डिस्क रोटेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो उस केस में क्या होता है कि फोर्स जो है वो कम अप्लाई हो पाता है मटेरियल के ऊपर। तो इस केस में हम लोग थोड़ा सॉफ्टर मटेरियल को यूज़ करते हैं ग्राइंड करने के लिए। इस केस में जो रोटेशन होता है वो 1200 टू 7000 आरपीएम का होता है। अगला जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं ग्राइंडिंग के लिए वो रिवॉल्विंग मिल होता है। रिवॉल्विंग मिल में क्या होता है, बेसिकली एक सिलिंड्रिकल सेल होता है, एक सिलिंड्रिकल चेंबर होता है जो कि स्लोली रोटेट करता है और उस सिलिंड्रिकल सेल के अंदर हम लोग मटेरियल को डालते हैं, साथ ही साथ कुछ हार्ड चीज़ों को डालते हैं जिसके कि कारण वो ग्राइंड होता है और ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेट करते रहता है। इसमें लगभग हम लोग 50% वॉल्यूम में सॉलिड ग्राइंडिंग मीडियम को डालते हैं इसी के वजह से ग्राइंडिंग पॉसिबल हो पाता है। और ग्राइंडिंग मीडियम के रूप में हम लोग ग्राइंडिंग मीडिया के रूप में पोर्सिलिन बॉल, स्टील, कार्बन स्टील, सिल्का रॉक,
इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। यदि सॉफ्ट मटेरियल है बहुत ज़्यादा, तब हम लोग रबर का भी यूज करते हैं, वो हार्ड रबर का यूज करते हैं ग्राइंडिंग मीडिया के रूप में। किस तरह का ग्राइंडिंग मीडिया हम लोग यूज किए हैं, इसके आधार पे अलग अलग रिवॉल्विंग व्हील को क्लासिफाई किया गया है। यदि हम लोग मेटल रॉड का यूज किए हैं ग्राइंडिंग मीडिया के रूप में, तो इसको हम लोग रॉड व्हील कहते हैं। मेटल बॉल का यूज किए हैं, वुड का यूज किए हैं, तो बॉल मिल कहते हैं। और फ्लिंट का, पोर्सलिन का, जिरकोन का बॉल का यूज किए हैं, तो हम लोग इसको पीबल मिल भी कहते हैं। पीबल मिल भी बेसिकली बॉल मिल ही होता है। ये जो रिवॉल्विंग मिल होते हैं, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है बैच टाइप का मिल और कंटिन्यूस टाइप का मिल। वो हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी हमको क्या प्रोडक्टिविटी का मिल चाहिए होता है। बैच टाइप के मिल में क्या होता है कि हम लोग रिक्वायर्ड क्वांटिटी के मटेरियल को सिलेंडर में चार्ज कर देते हैं ओपनिंग से, साथ ही साथ उसमें हम लोग ग्राइंडिंग मीडिया जो भी चीज़ यूज करना हो, या पोर्सलिन बॉल यूज करना हो या स्टील का बॉल यूज करना हो, उसको उसमें हम लोग डाल देते हैं। डालने के बाद उस ओपनिंग को हम लोग बंद कर देते हैं और उसको रोटेट करते हैं। फाइनली रोटेट करने के बाद, बहुत घंटे रोटेट करने के बाद, इसको हम लोग ओपनिंग को खोल लेते हैं। खोलने के बाद हमें फाइनली जो है फाइनली ग्राइंड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो ये एक तरीके का बैच ऑपरेशन है, इसमें कोई कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं। हम लोग चार्ज कर रहे हैं मटेरियल और ग्राइंडिंग मीडिया को, फिर क्लोज कर रहे हैं, फिर रोटेट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट जब हमें फॉर्म हो जाता है उतना आधा रोटेट करने के बाद, तो हम लोग फिर इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो ये एक तरीके का बैच प्रोसेस है। दूसरा जो टाइप का मशीन होता है वो कंटिन्यूस टाइप का होता है। इसमें हम लोग एक साइड से कंटिन्यूसली मटेरियल को चार्ज करते रहते हैं और बीच का जो सिलेंडर है वो रोटेट करते रहता है, रोटेट कर करके वो ग्राइंड करते रहता है मटेरियल। और दूसरे तरफ से मटेरियल जो है ग्राइंड हो करके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलते रहता है। तो ये जो है कंटिन्यूस टाइप का प्रोडक्ट, कंटिन्यूस टाइप का मशीन होता है। एक एंड से हम लोग चार्ज कर रहे हैं, दूसरे एंड से हमको डिस्चार्ज मटेरियल मिलते रहता है। तो कहीं इस प्रोसेस में कहीं हमें उस मिल को, उस रिवॉल्विंग मिल को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि बैच टाइप में हमको फिल करते टाइम रोकना पड़ रहा है और डिस्चार्ज करते टाइम मटेरियल मिल को रोकना पड़ रहा है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में यही होता है, एक एंड से चार्ज किया जाता है, दूसरे एंड से हमें वो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब रॉड मिल में क्या होता है कि जिसमें कि हम लोग ग्राइंडिंग मीडिया के रूप में रॉड का यूज करते हैं, उसमें रोलिंग होता है और कंप्रेशन होता है, साथ ही साथ एट्रिशन होता है रॉड के द्वारा। और ये तीनों फोर्स काम करता है ग्राइंडिंग में। रॉड मिल में क्या होता है, रोलिंग होता है, दो रॉड के बीच जो है मटेरियल का रोलिंग होगा और कंप्रेशन फोर्स भी लगता है, साथ ही साथ एट्रिशन रबिंग एक्शन भी होता है। और ये तीनों फोर्स के कारण जो है हमें ग्राइंडिंग अचीव होता है। लेकिन बॉल मिल और पीबल मिल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिडक्शन जो है वो इंपैक्ट के कारण होता है। जब बॉल मिल में हम लोग ग्राइंडिंग मीडिया और मटेरियल को चार्ज करते हैं और उसको रोटेट करते हैं, तो बॉल सबसे पहले जो लोअर पोर्शन में होता है वो अपर पोर्शन में जाता है और एक सर्टेन अपर पोर्शन में जा करके वो ऊपर से नीचे गिरता है। और एक बॉल के ऊपर जो मटेरियल रहता है उस मटेरियल के ऊपर गिरता है, तो इम्पैक्ट होता है और उस इम्पैक्ट के कारण ही बेसिकली ग्राइंडिंग अचीव होता है।
बॉल मिल को जो है हम लोग एक सर्टेन स्पीड में रोटेट करते हैं। यदि बहुत ज़्यादा स्पीड में रोटेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बॉल टॉप में जा कर के नीचे गिरेगा ही नहीं। और तो हम जानते हैं कि बॉल मिल में ग्राइंडिंग होने के लिए इंपैक्ट फोर्स काम करता है और रबिंग के कारण बहुत कम मात्रा में ग्राइंडिंग होती है। इसीलिए उस इंपैक्ट फोर्स को गेन करने के लिए हमें बॉल मिल को एक क्रिटिकल स्पीड से कम स्पीड पर ही रोटेट कराना होता है। यदि हम लोग क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करा देंगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बॉल जो है वो बॉल मिल के वॉल से सटा हुआ ही रोटेट करते रहेगा, जिसके के कारण इंपैक्ट एक्शन होगा ही नहीं, टॉप से बॉल नीचे गिरेंगे ही नहीं। जब टॉप से नीचे बॉल गिरेंगे नहीं तो इंपैक्ट हो ही नहीं पाएगा। इंपैक्ट नहीं हो पाएगा तो हमें ग्राइंडिंग भी अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग इसका जो है रोटेशन या रिवॉल्विंग का जो स्पीड होता है इसको बहुत कंट्रोल में रख के रोटेट कराते हैं। अगला जो होता है वो होता है क्यूब मिल। क्यूब मिल में क्या होता है, इसमें भी एक सिलेंडर होता है, लेकिन ये जो है सिलेंडर काफ़ी लॉन्ग शेप का होता है, लॉन्ग साइज का होता है कंपेरेटिवली डायमीटर के। डायमीटर इसका कम होता है लेकिन इसका जो लेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि इस ट्यूब मिल में यदि हम लोग बीच में एक ऐसा सिस्टम लगा दें कि मटेरियल एक इसमें हम चेंबरिंग कर दें, जब चेंबरिंग कर देंगे बीच में एक बोल्टिंग करके मटेरियल को हम या ट्यूब मिल को हम सेपरेट आउट कर देंगे तो इसको हम लोग कहते हैं कंपार्टमेंटल मिल। कंपार्टमेंटल मिल का बेनिफिट्स ये होता है कि जैसे जैसे मटेरियल ग्राइंड होते जाते हैं एक सर्टेन इंक्लिनेशन में रहता है तो मटेरियल एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में चले जाते हैं है? तो सबसे पहले वाले चैम्बर में जो है बड़े मटेरियल्स होते हैं, छोटे वाले चैम्बर में उससे छोटे मटेरियल्स और नेक्स्ट वाले चैम्बर में उससे छोटे मटेरियल्स या फाइन मटेरियल्स होते हैं। तो हम लोग जो एनर्जी का जो है यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। कंपार्टमेंटल मिल में हम लोग एनर्जी का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बड़े वाले चैम्बर जहाँ पे इनिशियली हम लोग मटेरियल को चार्ज करते हैं वहाँ बड़े बड़े बॉल्स का यूज करते हैं ग्राइंडिंग के लिए। इंटरमीडिएट में या बीच वाले चैम्बर में हम लोग इंटरमीडिएट साइज का बॉल यूज करते हैं और फाइनली जो जहाँ पे सबसे फाइन ग्राइंडिंग होती है वहाँ पे हम लोग जो है बहुत फाइन बॉल्स का यूज करते हैं, बहुत छोटे छोटे बॉल्स का यूज करते हैं ताकि मिलिंग जो है बहुत आसानी से हो पाए। तो ये देखिए बड़े बड़े बॉल्स हैं, यहाँ से हम लोग मटेरियल चार्ज किए, फिर यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिए, स्क्रीन लगाने से जो भी मटेरियल उस स्क्रीन से पास करके यहाँ आ जाएंगे क्योंकि ये इंक्लिनेशन में होता है, एक सर्टेन एंगल पे होता है, फिर फर्दर इसका ग्राइंडिंग होगा और जो भी ग्राइंडिंग होने के बाद इस स्क्रीन से पास करके यहाँ आ जाएगा, इसका फर्दर ग्राइंडिंग होगा और फाइनली जो प्रोडक्ट है हमें आउटपुट के रूप में यहाँ से मिल जाएगा। तो ये होता है कंपार्टमेंटल मिल का एडवांटेज। इसी टेक्निक का यूज हम लोग बॉल मिल में भी बहुत सारे बॉल मिल में भी करते हैं कि बीचों बीच एक स्क्रीन लगा देते हैं। जब हम लोग लेफ्ट साइड से फीड को इनलेट करते हैं तो यहाँ लार्ज बॉल्स का यूज करते हैं, फिर ये स्क्रीनिंग हो करके जो मटेरियल है दूसरे वाले चैम्बर में चले जाता है जहाँ स्मॉल बॉल का यूज करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट हमें आउटपुट के रूप में राइट साइड से मिल जाता है। तो ये एक कोनिकल शेप का बॉल मिल है और इसमें इसी टेक्निक का यूज करते हैं। यदि पूरे के पूरे मिल में सिंगल साइज का बॉल यूज करेंगे तो उतना इफेक्टिवली और इफिशेंटली प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाएगा, ग्राइंडिंग कॉस्ट
थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा और उतना इफिशेंटली और इफेक्टिवली प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाएगा।